सबसे बड़ी साहब बात है ना, सबसे बड़ी जो बात है ना, एक तो ड्रिल बीट चल रही है और जो अभी चेंज हुआ, अभी हाँ रिसेंटली चेंज हुआ। मैं ये एक ट्रैक में हम पहले भी देख चुके हैं, हाँ जिसमें एक पीछे वो कंटिन्यूअस आपका मोनो के पीछे जो बीट है टांग 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 भाई। दा। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाई, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज गाइस हम दोबारा से नेप ऑफ वर्ल्ड की तरफ गए हैं एंड आज हमने वहाँ से एक बहुत ही फाइन रैपर को उठाया है, जिनके हम खुद दोनों ही बहुत बड़े फैन हैं। उनका काम बहुत ही अल्टीमेट है और जब भी आप इनके गाने सुनोगे गाइस, तो आपको रैपिंग तो मिलेगी पर साथ साथ कहीं ना कहीं बाकी एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप को भी आप कहीं के देखोगे। आपको डीजेइंग कभी दिखती है, कभी ग्राफिटीज के बारे में बहुत कुछ दिखता है, तो बहुत ही सही तरह के आर्टिस्ट हैं। तो गाइस ये तो थोड़ा गाने की तरफ चलें, तो गाने का नाम है हमारे डॉन जी, आर्टिस्ट हैं, उनका गाना है आत्मघाती, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है फ्रॉम द एल्बम नेपाली हिप हॉप स्टेट ऑफ माइंड, प्रोड्यूस करे हैं स्टोर नटर ने एंड वीडियो बाय जी जी फिल्म्स। तो गाइस ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी सी जानकारी मेरे भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन और भाई आज फिर से नेप हॉप हम एक नया ट्रैक उठा के लाए हैं, डोंग का आपका आत्मघाती ट्रैक है। तो गाइस होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। और प्लीज एंड प्लीज प्लीज हम दोनों भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज हमारे सारे हैंडल्स को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो करिए। हम बहुत अलग एंड डिफरेंट टाइप के वीडियोस वहां पे डालते हैं, रील्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, तो प्लीज गाइस आइए और हमें फॉलो करिए और वो हमारा वो कंटेंट को भी ऐसा ही प्यार दीजिए जैसा आप हमारे यूट्यूब पे दे रहे हैं, राइट। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट डॉन जी। अब ड्रिल बीट है, प्योर ड्रिल बीट है भाई। You already know who the fuck it is, motherfucker. Yeah, yeah, आज खेल खेल्न मात्र जवाफ जानी, काम छैन गीतमा रवाफ छाडी, मलाई सुनेपछि एमसीलाई सलान पानी, खाँचो पर्छ होइन मेरो गलत दाबी, छैन साँचो सहितसँग गलत चाबी, मलाई चाहिँ तेरो फ्लो आम फरक दामी, एक्टिङ हट बच्यो नरम नानी, राम्रो मान्छे छाड्दे सब खराब बानी, मेरो कटक कदम बढ्छ लमक लमक, घुम्छ सडक सडक, चुम्छ हरेक चरम हरेक जनम, अब नआउने छु म हिप हप धर्म, जब हुन्छ बिट ड्रप हुन्छ तेरो दिमाग, बन्द गर बिग ट्याक तोरीहरूको लागि बिग। भाई सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी जो बात है ना, एक तो ड्रिल बीट चल रही है और ऊपर से जो मॉनेस्ट्री में जिस तरीके का म्यूजिक बजता है ना, इनके यहाँ वो चल रहा हूँ, वो बड़ा वाला वो जो वो होता है वो बज रहा है वो पीछे ना, और इनका एक कंटिन्यूस सैंपल बज रहा है, और ये ना इस तरीके का सैंपल यूज करते हैं अपने म्यूजिक में। ये एक ट्रैक में हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें एक पीछे वो कंटिन्यूस आपका मोनेस्ट्री टाइप का जो रिदम बजता है वो बज रहा है, जो बुद्धिस्ट वो काफी बुद्धिस्ट मंक्स यूज करते हैं मोनेस्ट्री में, पर भाई एक बात मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है, पर भाई एक बात है, एक तो प्योर ड्रिल बीट और ऊपर से फिर डॉन का फ्लो, यार क्या फ्लो है, क्या फ्लो। और आप देखिए वहां पे फिर जैसी वो जो अभी चेंज हुआ, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है फ्लो भाई, गजब यार गजब। बीट को भी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बीट वो चेंज करा है, तो है ही क्या, बहुत ही मजा। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। दिन रात गर्छु मेरो छैन चिन्ता, एक दिन त एक बुलको लक्ष्य मिल्छ, सबले चिन्छ सबै दिन छ, एक सुरमा आफ्नै धुनमा तलाई मन पर्ने र्यापर सधैँ अटो टुनमा, मलाई मन पर्ने र्यापर सधैँ भरि बुम ब्याक, कपल व्याक मत फकस सेट द ट्र्याक, गट अ मुभ ब्याक 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 इन अ कैस, आई बी लाफिंग माय लास्ट लैप बैक टू द फ्लेम्स फ्रॉम वेयर द गैस एट, आई डेयर यू क्लैप बैक, द डे यू क्लैप बैक यू गेट योर पे बैक, आई डेयर टू से दैट मोर व्याक रैपर्स हाउ आई गेट माय पे टेक यू मैन एक्ट, यू ain't got no x factor bitch, you lack tactics, let me be your rap master now, call me sensei, yeah hala macho dai hala got the tune now, call me day day, yeah आत्मघाती
प्रहार मेरो काम काजी फुचीहरु सब व्याक प्रजाती कुरा काटी बस चाक पछाडी एक दुई वटा ट्र्याप बीट अनि व्याक गीत दाइको नाम लिने गीतमा गर अलि बडी प्र्याक्टिस एउटा कुरा बुझी राख यु क्यान नेभर मिस दिस अरु पनि सुनि राख हैन तेरो साथी सब जना जुति राख चोरी रन्छु माथि म छापी रन्छु हाती मेरो चितुवाको चाल तेरो कमिलाको ताती तलाई रमिता हो साथी मेरो र्याप रोजगार मेरो भिडियोको रियाक्ट छ बैंककमा मेरो फ्यान बेस मुको देखि गैंगटकमा त पनि मेरो सुन देखि सब त खेलमा सुपरम्यान हो म मेरो डिक्सनेरी एकदम ज्यांगो छ आम अ बी भाई साहब भाई भाई। और एक और चीज आपने देखी पीछे जो बीट है टांग 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 भाई इस तरीके का बज रहा सैंपल बड़ा प्यारा और पता है आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैंपल की वजह से ना उनका जो फ्लो आ रहा है ना वो और ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। और दूसरी बात एक जगह उन्होंने बोला जो स्टार्ट किया ना अपना वर्ड स्टार्ट किया उसमें क्या आत्मघाती प्रहार मेरा जैसे कामिकाजे का एक जापानीज वर्ड होता है ना जैसे कामिकाजे ड्रोन्स भी होते हैं तो कामिकाजे का मतलब वो होता है कि जिसने बम बांधा और सीधे जिसने फटना ही है जाके मतलब वो बच के नहीं आएगा तो कामिकाजे पहले और वही ड्रोन्स में भी ड्रोन्स करा जाता है ना बम से के सीधे लोटर ड्रोन्स होते हैं वो सीधे जाते हैं फट जाते हैं उनका कोई काम नहीं होता बस जाएंगे पोजीशन पे जाके फट जाएंगे बस उनके तो कामिकाजे वो आत्मघाती मतलब एक तरीके से बोल रहे हो तो भाई फ्लो तो आत्मघाती है भाई डॉन जी यार इसीलिए खतरनाक है मतलब खराब आदमी है हर तरफ से खतरनाक कर देते हैं खेल एक ये हो गए एक नवाज अंसारी हो गए यार इसका तो भाई फ्लो पे जिस तरह की पकड़ है ना भाई और जिस तरह का अपने स्पिटिंग स्टाइल को हमेशा आप देखना ना वेरिएशन आते रहते हैं इनके उसमें हर गाने में आर्टिकुलेट करते रहते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज कर रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं पॉजेस यार पॉजेस देखो ना कितने सही पॉजेस दे रखे हैं थोड़ी थोड़ी देर में जैसे वर्ड्स एक लाइन मारी उसके बाद हल्का सा पॉज और फिर टैक 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 और फिर पॉज और टैक टैक वो बहुत सही लगता है गाइस ये चीज ना सुनने में ना बहुत मजा आता है और बहुत कुछ सिखाती है यार अगर आप रैप करते हैं या आप अगर लिख रहे हैं या अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो पता है इन रैपर्स को सुनिए एक चीज और सोचने वाली है कि नेपाली से इंग्लिश में वेरिएट एकदम से ट्रांजिशन कर रहे हैं और फ्लो के साथ ही ट्रांजिशन कर रहे हैं कहीं कोई उसमें पॉज नहीं आ रहा है वो एकदम से जब नेपाली से इंग्लिश में ट्रांजिट किया तो भाई पता ही नहीं चला कब नेपाली से इंग्लिश में चले गए ये चीजें सीखने वाली है मतलब कि आपको पॉजेस कैसे लेने हैं ट्रांजिशन कैसे करने हैं ये चीजें आप सीख सकते हो इन रैपर्स से टू गुड यार टू गुड चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं जेनेरिक कुरा लॉजिकल हारे र जितने मेरो बानी छ विश्वास लागेन भने बाजी गर न थाती भन माथिको लाइन तले पुछेके पुछेन पैसा तिरिस एल्बम सुनेके सुनेन आफैलाई थाह तर सत्य लुकेर इन्ट्रोलाई पाछे एल्बमलाई पुग्दैन पैसा तर तलाई बाल छैन पत्ता न पत्ता मलाई बाल छैन सोझो अडियन्सलाई केही थाहा छैन तैले किनेको एल्बम रेकर्ड भा छैन लज्जा अब जा बुझी वही मोनेस्ट्री म्यूजिक है जो मेडिटेशन में यूज किया जाता है बुद्धिस्ट यूज करते हैं भाई बहुत ही सही यार बहुत ही वो था फ्लो बहुत तगड़ा हर एक चीज में भाई मतलब बिल्कुल परफेक्ट जैसे बोलते टॉप नॉच रैप जिसे बोलते हैं ना विद परफेक्ट बीट्स सैंपल म्यूजिक जो पीछे चल रहा है वो बड़ा मेडिटेटिव है फिर इनका अपना फ्लो बड़ा मेडिटेटिव है भाई जिस तरीके से फ्लो चेंज कर रहे हैं ना बिल्कुल बिल्कुल मतलब यार फ्लो के बीच में ही फ्लो चेंज कर दे रहे हैं यार अपना और आप ये देखिए वीडियो को भी देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लैशी और वो बना रखा है बहुत सिंपल सा वीडियोस में थोड़ी सी एडिटिंग आ रही है एनिमेशन कर रखा है थोड़ा एंड टेक्निकलिटीज में इतने स्ट्रांग है चाहे वो आप वर्स को देख ले चाहे उनके फ्लो को देख लीजिए बीट्स को देख लीजिए पॉजेस लेने को देख लीजिए टेक्निकलिटी में डॉन जी बहुत स्ट्रांग है यार बहुत स्ट्रांग हाथ पकड़ना मुश्किल है यार जिस तरह का रैपर ये है ना भाई सीखने मतलब आप इनसे सीख सकते हो बहुत कुछ सीख सकते इस तरह का रैप करना ना आसान नहीं है इतने वेरिएशन है ना इस ट्रैक में जिस तरीके का पहली लाइन से जो वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हो एंड तक खत्म नहीं हो रहा आप देखो ट्वीक्स देखो पॉजेस देखो किस तरीके के ले रहे हैं सिंपली नेक्स्ट लेवल गाइज चलिए गाइज ये तो भाई हमें तो बहुत मजा आया है होप जिन लोगों ने भी ये गाना सजेस्ट करा है और शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम गाइज आप बहुत ही मजा आया आपने हमें ये गाना भेजा और इस गाने को हमने बहुत इंजॉय करा होप हमारे व्यूवर्स सारे अदर व्यूवर्स ने भी इंजॉय करा हो अगर आपने गाना अभी तक नहीं सुना है गाइज तो जाके आत्मघाती करके गाना है डॉन जी के ऑफिशियल चैनल पे आप जाइए इस गाने को इंजॉय करिए ध्यान से सुनिए फिर आपको पता चलेगा गाइज गाने की गहराई कितनी है और हमें लगता है अगर हमें लैंग्वेज और समझ में आती तो फिर तो भाई हम पागल ही हो जाते सही में क्योंकि फिर वो बार क्योंकि जो कह रहे होंगे वो भी वो बहुत खतरनाक कह रहे होंगे राइट तो गाइज आप जाइए और इनके गाने को जरूर चेकआउट करिए और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर तो आइए और हमारे
रिएक्शन को भी चेकआउट करिए और हमें अच्छा सा मैसेज भी ड्रॉप करिए कि आपको कैसा लगा हमारा काम. हम फिर वापस आएंगे गाइज एक नए और बिल्कुल फ्रेश रिएक्शन वीडियो के साथ. टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय श्री राम.